गट्स इस लड़की में भैया आप अकेले जिस तरह से अपने लिए स्टैंड कोई ले सकता है या अपनी चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो मनवा सकता है तो भाई वो अर्चना है चाहे वो उसने आज जो किया गलत किया या जो भी है बट वो अपने लिए खड़ी रही अपने तरीके से वो अपनी बात मनवाने के लिए उसने जो किया सो किया उसके, उसके बाद फिर टास्क आया और टास्क में भी जो है ना सबने जो किया जैसे ही किया झगड़ा हुआ क्यों हुआ कौन सही कौन गलत और सुम्बुल तो आज अलग ही पता नहीं नहीं शालीन नहीं ओ माय गॉड उफ ये जब भी कोई शालीन पे बात आती है या शालीन से कनेक्टेड कोई झगड़ा होता है तो तभी क्यों सुम्बुल के अंदर की जो है एनर्जी बाहर आती है वैसे ही क्यों नहीं आती है चलिए जी इसमें भी बात कहते हैं वीडियो पूरी देखिएगा लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो और अस्सलाम वालेकुम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कैसे हैं आप सब वो इनका इतिहास सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू द वेलकम बैक टू द निकितनिया

वर्स स्टैंड बीच में शेफ भी आ ही गया तो सबसे पहले तो बात करते हैं अर्चना जी की हाँ जी अर्चना जी माय गॉड वैसे तो मैडम जो है ना बहुत ही ढीठ बनी रही हैं जो मर्जी चाहे हर पे अपना ली गए हैं नाम नाम दंड भेद कुछ भी जो है उस पर जो है कुछ काम नहीं किया है उसको नहीं करना था तो उसने नहीं किया उसको लेटे रहना था तो वो लेटी रही गद्दा भाई बेड से नीचे आ गया वो वहां लेटी रही उसके सारे कपड़े जो है वो उधर जेल में जो है वहां पर इस तरह से डाल दिए वो लेटी रही उसको लालच दिया गया कि चलो ये ले लो ऐसे कर लो या वैसे कर लो वो लेटी रही उससे प्यार से पूछ भी लिया तुम्हारी तबियत ठीक है नहीं 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 मुझे कुछ नहीं हो मैं ठीक हूं वो लेटी रही हाय यार मैं अगर ऐसा लेटी रहूं बिना किसी चीज के बिना उस क्या कहते हैं कुछ किए और मैं जाग रही हूँ तो मुझसे नहीं लेटा जाएगा और वो बंदी लेटी रही भाई उसने नहीं करना था तो नहीं किया अब जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया तो उसके बाद जब उसने अपने कपड़े देखे छत पे तो फिर उसको उस पे जो है उसपे जो है ना वाइन नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए भाई यू इट आपने जो है आपका खुद का डिसीजन था कि आपने जो है नहीं करना आ जो मर्जी हो जाए उसने कहा था कि करने दो मुझे फर्क नहीं पड़ता उसको आके हालांकि बताया गया था शायद कि ये लोग ये कर रहे हैं या ये हो रहा है तो उसने तब भी कहा था कि इट्स ओके करने दो मुझे फर्क नहीं पड़ता करने दो फिर उसके बाद आपको क्यों कंप्लेन करना जरा ये बताएं क्यों रोना उस चीज को लेके क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता

क्या कहते हैं इसका साथ देते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं उसके बाद आया कैप्टनसी टास्क भाई पहले तो बिग बॉस ने पूछा कि साजिद खान की कैप्टनसी से कौन कौन जो है ना खुश है भाई अचानक ने तो फौरन हाथ उठा दिया वहां पे सौंदर्य ने हाथ क्यों नहीं उठाया वहां पे प्रियंका ने हाथ क्यों नहीं उठाया वहां पे अंकित ने हाथ क्यों नहीं उठाया वहां पे गौतम ने हाथ क्यों नहीं उठाया क्योंकि यही चार थे जो के कह रहे थे कि अनफेयर यानी कि गलत है हमें खाना नहीं मिलता है इन्हीं के साथ जो है इन्हीं को फेवर किया जाता है इन्हीं को सब कुछ मिलता है हम एंड में रह जाते हैं मैं तो कह दूंगी अगली बार यह अनफेयर था जो भी है तो और सौंदर्य पूरा पूरा जो है अर्चना का साथ दे रही थी तो फिर क्यों हाथ नहीं उठाया इन चारों ने एंड स्पेशली 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 सौंदर्या क्योंकि बाकी के तीन जो है साथ होना हो लेकिन सौंदर्य तो पूरा का पूरा जो है अचना के साथ थी उसकी जो है हर चीज में साथ दे रही थी तो उसने क्यों नहीं हाथ उठाया लेकिन फिर जब बिग बॉस ने अपनी बात बदली कि कौन कौन जो है साजिद को हटा के खुद कैप्टन बनना चाहता है तो बाद में सबने हाथ उठाया हिपोक्रेसी देखो हिपोक्रेसी यहां पे डबल फेस्ड पीपल गाइस हर कोई मुझे तो यहाँ पे प्रियंका के बारे में कहना है जब अब्दू कैप्टन था और जब चेंज करने की बात है या कहने की बात है कि उसको रहने दिया जाए कैप्टन या चेंज किया जाए कैप्टन तो तब तो प्रियंका ने आवाज उठाई थी कि क्योंकि अब्दू छोटा है उससे अब्दू दब जाएगा इसलिए जो जा है प्रियंका ने आवाज उठाई और कहा कि भाई निकालो अब्दू का हमें भी बनना है कैप्टन अब साजिद के खिलाफ जो है जब कहा गया तो तब की आवाज उठाई कि हाँ भाई बनना है कैप्टन पहले हाथ उठाती कि हाँ भाई मैं खुश नहीं हूँ हटाए हम हमें भी ताकि चांस हुए क्योंकि यही तो होता है वीकेंड यानी कि फ्राइडे आने से पहले जो है हर थर्सडे जो है ये पूछा जाता है कि क्या आप से कुछ हो के नहीं क्या कैप्टन चेंज किया जाए नहीं। कि नहीं अगर किसी कैप्टन को फायर नहीं किया जाता तो ये पूछा जाता है तो अब्दू से भी ये पूछा गया था अब्दू की दफा तो आप सब जो है खिलाफ हो गए थे या मेजोरिटी जो है खिलाफ होगी तो कहा था कि भाई हमें तो हमें भी बनना है कैप्टन अब्दू बहुत अच्छा कैप्टन रहा है उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है लेकिन क्योंकि सबको बनना था कैप्टन तो हो गए खिलाफ अब यहाँ पे क्योंकि साजिद जो है बड़ा है डायरेक्टर है बड़ी फिल्मों का या एक बड़ा डायरेक्टर है तो वहां पे सबको अपनी अच्छी बना के रखनी हो तो वहां पे कोई हुआ कि बिग बॉस ने नहीं कहा के भाई किस किस को है जो है साजिद के अलावा कैप्टन बनना है फिर जो कैप्टनसी टास्क था ये तो दिख ही रहा था आई I मीन mean, एक था के कौन जीतेगा वो था साजिद एंड द टीम वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो वहां मेजोरिटी है दूसरी बात ये कि वहां पे जो है ना जो कुछ लोग है ना निमृत स्टैन शिव अब्दू और साजिद इन पांचों में एक लॉयल्टी है आप लोग मान जो चाहे फेक इंसान हो चाहे फेकली कर रहे हो या सिर्फ इन्होंने एक फैमिली या ग्रुप बनाया हुआ है गेम के लिए लेकिन लॉयल्टी है क्योंकि लॉयल्टी है तभी टिका हुआ टिकावा, टिकावा अंकित ने भी ये बात की कि वो जो टास्क हारे हैं वो क्यों हारे हैं क्योंकि लॉयल्टी नहीं है एक जो है ना कि आप इसको खोल नहीं सकते वो चीज नहीं है कोई बाहर से आ भी जाता है तो वो उसको जो है आने देते हैं लेकिन ये जो है ना ये, ये स्पेशली यहाँ पे आने के लिए अंदर आने के लिए इस चीज में वो टाइम लगता है इसलिए शालिन और टीना जो है ना अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ अंदर जो है ना इसके अंदर आने के लिए ये जो लॉयल्टी है ना उसमें आने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी किसी को भी जो है ट्रस्ट नहीं है क्योंकि जब स्टैन और गौरी ने जाना चाह था तो उन्हें तब भी नहीं रोका था अगर कोई आना चाहता तो उसको नहीं रोकते लेकिन कुछ चीजें हैं ऑब्वियसली जैसे शिव ने भी कहा कि कोई आए या जाए मैं नहीं रोकूंगा लेकिन ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रूव सर्टन थिंग्स एंड दैट टेक्स टाइम एनी तो जीत गए सुम्बुल ने भी साथ दिया और टीना ने भी साथ दिया और शालीन ने भी जो है साथ दिया और मैं तो कहूंगी क्या बेवकूफी थी ये क्या बेवकूफी थी मजा आ जाता अगर शालीन और टीना और सुम्बुल जो है अपने लिए खेलते चलो तीनों अपने लिए खेलते एक साथ एक ग्रुप कर लेते और तीनों अपने लिए खेलते और हटा देते को कैप्टनसी से बट पता नहीं क्या था कि वहीं पे जाना था और उन्हीं का साथ देना था ऐसे क्या अपने आप को प्रूफ करना था ऐसा क्यों इतना जरूरी है वहां जाना hmm, मैं बताती हूँ वहां पे नंबर्स ऑफ बोर्ड्स है इसलिए आप लोगों को याद होगा कि पहले भी शालीन सुम्बुल और जब ये लोग सब एक ग्रुप थे गौतम और सौंदर्या भी और टीना भी जब ये पूरा एक पांच लोगों का था तो तब जो है सुम्बुल से कुछ अनबन हुई थी शालीन की तो शालीन ने कहा था कि हम का वोट है ये हमारा वोट है सौंदर्या ने भी जो है वोट के लिए उसको रखा यानी कि दोस्ती थी उनकी और टीना ने भी यही कहा था कि वोट हमारा है एक तो अब उनको जो है क्योंकि मेजोरिटी उधर दिख रही है ज्यादा लोग उधर दिख रहे हैं तो भाई ये भी उधर चल पड़े फिर अब क्योंकि अब तो प्रियंका और अंकित भी उधर चल पड़े हैं क्योंकि वहां पे मेजोरिटी है वहां पे वोट्स हैं ये इसलिए जो है ना यहाँ पे वो यूनिटी के लिए नहीं वहां पे वो वोट्स के लिए जा रहे हैं इसीलिए इसलिए जो है अर्चना सौंदर्य और गौतम को किनारे कर दिया और वो दूर नहीं है मुझे लगता है कि गौतम सौंदर्य को तो पता नहीं लेकिन गौतम भी जो है ना वहाँ आ जाएगा बिकॉज उसको भी वोट्स चाहिए घर में रहने देखिए एक होता है घर में रहने के लिए ना दो तरह तरह के वोट्स चाहिए होते हैं एक तो बाहर की जब एलिमिनेशन होता है लेकिन घर में रहने के लिए भी जो है ना आपको वोट्स चाहिए होते हैं आपको कोई एलिमिनेट ना करे या अगर आपको किसी चीज के लिए बचाना हो या जब कैप्टन बनना हो तो ये भाई मायने रखते हैं ये वोट्स तो भाई चले गए वोट्स के लिए ओ माई घर बातें हैं जो लड़ाई हुई है टीना को लगी सो लगी शालिन ने कंसर्न दिखाते हुए उसका पाँव पकड़ा यहाँ पे स्टैन को क्या हो गया स्टैन ने क्यों गाली दे दी अगर एक नॉर्मल बात हो रही थी तो स्टैन आराम से भी कह सकता बात भी कर सकता उसने गाली दे दी शालिन ने जब तक मुझे वहां जो है ना सिर्फ उस बात तक अच्छा लगा था जब तक वो कह रहा था कि कामली या एक सही तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा था वहां तक शालीन ठीक था उसके बाद जब शालीन ने भी गालियां देना शुरू की हैं जब शालीन ने भी फिजिकल होना शुरू किया जब क्योंकि देखो जब एक कर रहा है और यहां से एक जो है ना अः रोकने की चीज को कोशिश कर रहा है या उस तरह उतना उस लेवल तक बुरा नहीं हो रहा है तो तब तक ठीक है तब तक मुझे शालीन सही लगा लेकिन उसके बाद क्योंकि स्टैंड तो कर ही रहा था स्टैंड दे ही रहा था लेकिन उसके बाद जब शालीन भी शुरू हुआ है बाप रे बाप, बाप फिर शालीन भी गलत हो गया वहां तक मैं फिर कहूंगी वहां तक शालीन तब तक ठीक था जब तक उसने भी शुरू नहीं किया है गालियां देना फिर बीच में जो है स्टैंड ने मारने की कोशिश की उसने आके ऊपर से पकड़ लिया एंड देन बीच में भी आ गया एंड शेन सुम्बुल बाप रे बाप नहीं शालीन तुम नहीं जाओगे उसको यूं पकड़ के छोड़ ही नहीं रही है बिठा दे नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे टीना आई है बात करने के लिए लेकिन नहीं शालीन तुम नहीं जाओगे नहीं जाओगे क्या ऑब्सेशन है यार ये है सुम्बुल पिछले कुछ आपको आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो पिछले कुछ रिव्यूज में जो है ना मैं उसका नाम तक ले, नहीं लेना चाह रही हूँ बारे में मुझे नहीं बात करनी क्योंकि जो है वो मेरे दिल से जो है उतर चुकी है जो हरकतें वो कर रही है शालिन के पीछे आज जो है ना बहुत साफ साफ दिखा कि टीना तो चलो ऑप्सेस्ड जेलस है ही शालिन के पीछे चलो वो एक अलग बात है लेकिन सुम्बुल भी बहुत ज्यादा बल्कि शायद टीना से ज्यादा जो है ऑब्सेस्ड है और मुजासिफ है शालीन के लिए भाई शालीन कह रहा हूं मुझे छोड़ो मैं काम हूं मैं जाके देखता हूँ छोड़ देती यार देख रहे तो होना है जो होना है खुदा न खासा अगर हाथ हाथ उठ भी जाता तो गार्ड्स भी रेडी हो खड़े हुए थे होते हैं उसने गार्ड्स तो रेडी रखी होगी सिक्योरिटी रेडी रखी होगी कि भाई जाके रोको बहुत बढ़ गया हाँ, आगे कुछ नहीं होना था तो सुम्बुल को क्या प्रॉब्लम हुई क्या मसला हुआ हाय हाय यार मैं सही कहूँ ये सुम्बुल मेरी समझ से तो बाहर है बिल्कुल बाहर है अब ये जो लड़ाई हुई है इस लड़ाई में स्टैंड तो गलत था ही। उसने शुरू किया फिर रोकते रोकते शालीन भी गलत हो गया ओके उसने जिस तरह से आगे बात कर बातें जो भी गालियां दी है देश दैट और स्टैंड भी बोले जा रहा था दिस एंड दैट फिर उसके बाद शिव बीच में आया जब क्या कह कहते हैं उसने पकड़ा स्टैंड को जब उसने स्टैंड हाथ था, तो उठाने लगा था तो शालीन ने पकड़ लिया था उसको तो जब शिव बीच में आया तो शिव जिस तरह से शालीन और स्टैंड को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था तो शिव भी काइंड ऑफ फिजिकल शालीन के साथ हो गया और फिर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो है ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तीनों ही गलत हैं मैं तीनों को ही गलत कहूंगी जब कोई गलत जब कोई कुछ गलत करता है ना तो सामने वाला भी अगर वही चीज करने लगता है तो फिर आओ, आप आप उसमें में फर्क क्या रह गया तो इसलिए मेरी नजर में तीनों ही गलत हैं और देखते हैं कि अब सलमान खान का क्या वार होगा कल सॉरी लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर टू एपिसोड और सलमान खान का जो गुस्से वाला जो जैकेट उतरता है ना ओह और उसके बाद जो वार होता है उसका तो अलग ही मजा होता है तो देखते हैं भाई कल क्या होता है